सो इन प्रीवियस क्लास वी हैव स्टार्टेड द टेस्टिंग ऑफ द इंडक्शन मोटर। ओके, उसके बाद हमने सर्किल डायग्राम पढ़ा था। ठीक है, सर्किल डायग्राम बेसिकली हमने क्यों पढ़ा था कि भाई हम विदाउट उसको लोड लोड किए हुए पर्टिकुलर लोड पे उसकी स्पीड, उसकी स्लिप वगैरह, उसकी एफिशिएंसी निकाल सकते, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ओके, कोई भी पूछ सकता है कि भाई इस पे उसकी एफिशिएंसी क्या रहेगी, है ना। ओके, सो टुडे वी विल बी स्टार्टिंग द स्पीड कंट्रोल ऑफ 3 फेज इंडक्शन। स्पीड कंट्रोल क्यों किया जाता है? जैसे आपने स्पीड कंट्रोल डीसी मोटर की भी पढ़ी, जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में ही देख लीजिए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर लगी हुई है फैन के अंदर, तो उसको कंट्रोल किया जाता है आपको। हो गई, सपोज उसकी स्पीड वो 1000 RPM पे घूम रहा है, बट कई बार आपको सर्दी लग रही है तो कम स्पीड चाहिए, है ना, तो 800 RPM चाहिए, कई बार 700 RPM, तीन चार वेरिएबल स्पीड आती है फैन की, तो वी नीड टू कंट्रोल दैट। तो जो स्पीड कंट्रोल कैसे करते हैं वो हम पढ़ेंगे आज। ओके, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ वी विल बी वेरिंग द स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर, 3 फेज की बात कर रहे हैं पहले तो। ओके, तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, एन आर इज इक्वल टू एन एस इन टू 1 माइनस एस। ओके, वेयर एन आर इज द स्पीड ऑफ द रोटर, एन एस इज द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ द फ्लक्स रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, और 1 माइनस एस, एस इज द स्लिप। ठीक है, मुझे कंट्रोल किसको करना है, इस एन आर की स्पीड को। ओके, रोटर की स्पीड को, तो इसको विजुलाइज करो कि हम क्या कर रहे हैं, पंखे की स्पीड को कंट्रोल कर रहे हैं, और पंखे के लिए लोड क्या है, पंखे के लिए लोड अपना ये मान लो जो 3 ब्लेड्स लगी हुई हैं वो है। ठीक है, वो रोटेट कर रहा है। चलो, तो मुझे इसको कंट्रोल करना है, तो इसको कंट्रोल करने के क्या तरीके हैं, लेट्स एनालाइज इट। तो सबसे पहले जो है वो है एन एस को हम क्या लिख सकते हैं, 120 f/p, ये लिख सकते हैं। ठीक है, वेर एफ इज द फ्रीक्वेंसी, पी इज द पोल, एन एस इज द स्लिप। तो मैं इन तीनों को चेंज करके, इन तीनों को चेंज करके आपके फ्रीक्वेंसी, पोल और स्लिप को, रोटर की जो स्पीड है उसको चेंज कर सकता हूँ, कम या ज्यादा कर सकता हूँ। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी को, जो अगर फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर रहे हैं तो उस स्पीड कंट्रोल मेथड को हम कहते हैं लाइन फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। एक एक करके हम सारे मेथड पढ़ेंगे। ओके, लाइन फ्रीक्वेंसी कंट्रोल जो कि हम रेयरली यूज करते हैं, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी लाइन की तो फिक्स है 50 Hz। ओके, नेक्स्ट है पोल चेंजिंग, ये भी बहुत रेयर यूज में आता है, क्योंकि एक बार मशीन बन गई मैन्युफैक्चरिंग टाइप, उसके पोल फिक्स हो गए, तो उसमें एक्स्ट्रा पोल ऐड करना, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्स ऐड करना बहुत मुश्किल है। दिस टू मेथड्स आर रियली यूज। ये जो मोस्टली हम यूज करते हैं, दैट इज स्लिप कंट्रोल। अब स्लिप को कंट्रोल करने के भी तीन तरीके हैं। फर्स्ट इज दी वोल्टेज कंट्रोल, सेकेंड इज दी बाय रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल, रोटर के अंदर रेजिस्टेंस ऐड करके रोटर की वोल्टेज को चेंज करके, तीसरा है स्लिप फ्रिक्वेंसी रोटर वोल्टेज इंजेक्शन। स्लिप फ्रिक्वेंसी रोटर वोल्टेज इंजेक्शन का मतलब ये है कि भाई जब रोटर के अंदर जो वोल्टेज डेवलप हो रही है वो तो क्या हो रही है, ई टू एस, यानी स्लिप फ्रिक्वेंसी पे डेवलप हो रही है, ई टू डेवलप नहीं हो रही, ई टू तो डेवलप हो रही है जब मेरा रोटर क्या था, स्टैंड स्टिल पे, बट जो वोल्टेज डेवलप हो रही है वो जब रोटर रनिंग कंडीशन में था वो तो क्या थी, ई टू एस। तो अब मुझे इस वोल्टेज को कम करना है या ज्यादा करना है, तो मुझे यहाँ पे वोल्टेज ऐड करनी है, सब्ट्रैक्ट करनी है, लेकिन किस पे करनी है, स्लिप फ्रिक्वेंसी पे। तो यहाँ पे अगर मैं कोई इसमें से माइनस कर रहा हूँ या प्लस कर रहा हूँ, तो मैं 100 वोल्ट, 100 वोल्ट इंटू एस। ओके, दिस इज वोल्टर वोल्टेज, रोटर वोल्टेज इंजेक्शन। ये सारे मेथड हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, सो दिस इज हाउ वी विल बी कंट्रोलिंग द स्पीड ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। जो इम्पोर्टेंट वाला है वो स्लिप कंट्रोल है। ओके, सो सबसे पहली बात तो हमने स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर भी पढ़ी थी, आपने पढ़ी थी, तो उसके अंदर कंपेयर करें इंडक्शन मोटर और इसकी स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। तो जो स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर इज फार फार मच बेटर देन 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो जहाँ पे वेरिएबल लोड लगे होते हैं, जो ऐसे लोड जहाँ पे मुझे वेरिएबल स्पीड चाहिए, है ना,
वहां पे हैवी हैवी मशीन्स की बात कर रहा हूँ मैं, वहां पे भी हम अभी भी प्रिफर क्या कर रहे हैं, डीसी मोटर्स कर रहे हैं बहुत, क्योंकि इसका जो स्पीड कंट्रोल है वो इतना अच्छा है नहीं, ठीक है, क्योंकि मेनली जो डिपेंड कर रहा है वो किस पे कर रहा है, फ्रीक्वेंसी और पोल्स, जिसको हम रेयरली यूज करते हैं, सिंक्रोनस स्पीड पे डिपेंड कर रहा है, इसकी रोटर की स्पीड किस पे डिपेंड कर रही है, सिंक्रोनस स्पीड, और सिंक्रोनस स्पीड क्या आती है, वो कॉन्स्टेंट है ना, सिंक्रोनस स्पीड ऑफ फ्लक्स इज दैट इज कॉन्स्टेंट, तो ये बेसिकली कॉन्स्टेंट स्पीड मोटर्स होती है नॉर्मली 3 फेज इंडक्शन मोटर, बट फिर भी हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ कन्वर्टर्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आप पढ़ रहे होंगे, उसके अंदर कन्वर्टर्स होते हैं, ठीक है, तो वो SCR कन्वर्टर वगैरह स्पीड कंट्रोल के काम आते हैं, तो वो यूज में आते हैं इंडक्शन मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, बट अब एक्स्ट्रा कंट्रोलर और लगा दो इसके अंदर, ठीक है, उनकी भी एफिशिएंसी पुअर होगी, पहले तो कंट्रोल की एफिशिएंसी अलग होगी, मोटर की एफिशिएंसी होगी, तो ओवरऑल एफिशिएंसी हमारी रिड्यूस हो जाएगी, तो अभी भी क्या है, अपर हैंड है किसका, डीसी मोटर्स का, वेरिएबल स्पीड कंट्रोल के लिए, ओके, सो स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर इज नॉट सुपीरियर टू डीसी मोटर्स बिकॉज देयर स्पीड डिपेंड्स ऑन NS विच डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी एंड नंबर ऑफ पोल, जिनको चेंज करना बहुत मुश्किल है, ओके, सो बाय वेरिंग द टॉर्क स्पीड कैन बी वेरीड, बाय वेरिंग द टॉर्क मतलब स्पीड को वेरी करना, मतलब टॉर्क को कम ज्यादा लगाना है, सीधी सी बात है, हाउएवर देयर इज नो वाइड रेंज ऑफ स्पीड कंट्रोल एंड मेथोडोलॉजी इज एक्सपेंसिव एंड इनएफिशियंट, मैंने बता दिया ना, जो मेथड्स हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, कन्वर्टर्स हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, जो जितने भी स्लिप कंट्रोल कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कन्वर्टर्स, तो वो खुद एक्सपेंसिव भी हैं और साथ साथ में इनएफिशियंट भी हैं, ठीक है, फिर भी हम कुछ पर्टिकुलर में जैसे घर के अंदर ही आप देख लो, सिंगल फेज की बात करें तो पंखे में तो हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ही यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कैसे वेरी कर रहे हैं वो हमें देखना है, बट कंपेरिजन टू डीसी अगर अभी जब तक कन्वर्टर्स और ज्यादा एफिशिएंट नहीं बन जाते, ठीक है, तब तक डीसी मोटर का ही अपर हैंड है स्पीड कंट्रोल के, ओके, नाउ देर आर टू टाइप्स ऑफ स्पीड कंट्रोल, रोटर के सॉरी मशीन इंडक्शन मोटर के दो टाइप, दो कंस्ट्रक्शन, एक तो स्टेटर साइड और रोटर साइड, एक तो स्टेटर के पैरामीटर्स को हम चेंज करके कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरा कौन सा, रोटर के पैरामीटर्स को चेंज करके हम कर सकते हैं, स्टेटर साइड हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं, एक तो सप्लाई वोल्टेज जो आपकी 3 पिन सॉकेट से आ रही है, सपोज 400 वोल्ट आ 440 वोल्ट आ रही है 3 फेज सपोज, ठीक है, दूसरा स्टेटर का रेजिस्टेंस कंट्रोल, अगर याद होगा हमने किया था ये स्टेटर का रेजिस्टेंस कंट्रोल स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर के अंदर किया था, पढ़ना याद करो, हमने रियोस्टेट लगाया था स्टार्टिंग में, अगर आपको याद होगा 3 रियोस्टेट लगाए थे और वोल्टेज रियोस्टेट की जो वैल्यूज चेंज करके हम इसके अंदर करंट चेंज करते थे, वोल्टेज एक्स ऑफ V1 करते थे अगर हमारे को V1 यहाँ मिलती थी, है ना, वही वही मेथड है, वो स्पीड कंट्रोल में भी काम आता है कि वोल्टेज को हम कम ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है, तो दूसरा स्टेटर रेजिस्टेंस कंट्रोल है, बट ये ज्यादा बेनिफिशियल, स्टेटर रेजिस्टेंस कंट्रोल ज्यादा बेनिफिशियल है किसके अंदर, स्टार्टिंग के अंदर, स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर्स में, तीसरा है बहुत इंपॉर्टेंट है ये फ्रिक्वेंसी कंट्रोल V/F, ये बहुत बार कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, कॉन्सेप्ट पूछी जाती है, इसमें से न्यूमेरिकल आते हैं, ग्राफ देते हैं आपको, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ने वाले हैं हम, चौथा है पोल चेंजिंग स्टेटर साइड की, बहुत डिफिकल्ट है जो कि, ओके, सो दिस टाइप ऑफ दिस आर देर आर 4 टाइप्स ऑफ कंट्रोल फ्रॉम स्टेटर साइड, अब रोटर साइड की बात करते हैं, रोटर के अंदर रोटर रेजिस्टेंस ऐड कर देंगे, है ना, बट ये रेजिस्टेंस कंट्रोल हम सिर्फ और सिर्फ कौन सी मोटर के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं, स्क्वेरल केज में नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के अंदर, क्योंकि वहां पे हम एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस, वहां हमारे पास एक सुविधा होती है, एक एडवांटेज है कि हम एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हैं जो कि स्क्वेरल केज इंडक्शन मोटर में नहीं होते, सो दिस टाइप ऑफ कंट्रोल कैन ओनली पॉसिबल इन स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, दूसरा जो है रोटर साइड में इंजेक्टिंग स्लिप फ्रिक्वेंसी वोल्टेज स्लिप पावर रिकवरी मेथड भी कहते हैं इसको, तो ये चार चार छह के छह मेथड हम पढ़ेंगे, ओके, तीसरा एक और मेथड है जो हम लैब में एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, दैट इज कैस्केडिंग टू इंडक्शन मोटर, जिसमें हम एक स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर लगाते थे और एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर लगाते थे, दोनों को जोड़ के, वहां पे मैंने आपको समझाया था कि भी कैसे करते हैं पूरी, ठीक है, डेरिवेशन करेंगे हम यहाँ पे कैसे कंट्रोल करते हैं, ओके, तो ये 3 टाइप के कंट्रोल हम कर सकते हैं स्पीड कंट्रोल, जिसमें हम आज ये 3 मेथड पढ़ लेंगे, दिस 1 2 3, बाकी नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में पढ़ पाएंगे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे वी विल बी स्टडिंग द स्पीड
स्पीड कंट्रोल फ्रॉम स्टेटर साइड, एंड उसमें से भी हम तीन मेथड सबसे पहले सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल। तो अब मुझे बताओ, आप तो लोड साइड पे हो, आप घर पे हो, वोल्टेज कितनी आ रही है? 440 वोल्ट आ रही है ना। या फिर उससे पहले मेरे को एक आप क्वेश्चन बता दीजिए, सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल मेथड पढ़ने वाले हैं, पहले क्वेश्चन ये बताइए, आपके घर के अंदर सप्लाई आ रही है, सपोज सिंगल फेज की मैं बात करूं, 230 वोल्ट आ रही है। अब 230 वोल्ट से आप वोल्टेज स्टेप अप कर सकते हो क्या घर पे बैठे बैठे, और स्टेप डाउन कर सकते हो क्या, बताओ? यस नहीं, स्टेप अप पहले बताओ, स्टेप अप कर सकते हैं क्या घर बैठे? सर, स्टेप अप नहीं सर, वेरी डाउन गुड। कर। और स्टेप डाउन कर सकते हैं क्योंकि एक्स्ट्रा यस सर, रेजिस्टेंस लगा के वोल्टेज को डिप करके। तो मेरे को मुझे बताओ, यहाँ पे मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा, मैं वोल्टेज को बढ़ा तो सकता ही नहीं, और सिर्फ क्या कर सकता हूँ, घटा घटा। सकता हूँ, ठीक है ना। तो अब सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल में मेरे पास एक ही ऑप्शन है, आई कैन ओनली डिक्रीज दी वोल्टेज। तो मुझे बताओ, अब डिक्रीज इन द वोल्टेज, अगर वोल्टेज को कम करोगे तो स्पीड क्या होगी, कम या ज्यादा? कम कम होगी, क्योंकि देखो टॉर्क में इक्वेशन पढ़ी थी हमने, अगर याद है तो, ये टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू वी का स्क्वायर। अगर वोल्टेज को कम करोगे तो कम टॉर्क लगेगी, और मेरी स्पीड क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो हमको क्या है, स्पीड कम ही चाहिए बेसिकली। तो क्यों? क्योंकि देखो, बाजार से आप एक मोटर लेने जाओगे, जैसे पंखा लेने जाते हो, पंखे की जो मैक्सिमम स्पीड है वो फिक्स होती है, मैक्सिमम यस सपोज सर, 5 पे वो 1000 RPM से मूव कर रहा है, तो 1000 RPM उसी रेटिंग का मैम, अगर एक बार मशीन की रेटिंग फिक्स हो जाती है तो उसी स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से घूमेगा। अगर आपको ज्यादा स्पीड चाहिए तो आप हाई रेटिंग का फैन लाओगे, है ना, और तेजी से घूमे। तो मेरी जो मैक्सिमम स्पीड है वो फिक्स हो गई, वो आप एक बार आपने मशीन खरीद ली, वो फिक्स हो गई, ठीक है, वो चेंज नहीं कर सकती। बहुत रेयर केस के अंदर हम उसको चेंज कर सकते हैं, जहाँ पे अबव बेस स्पीड, मुझे बेस स्पीड मेरी वो हो गई मैक्सिमम स्पीड, ठीक है, सिंक्रोनस स्पीड मान सकते हो आप उसको, ओके। तो अब मुझे सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल से मैं वोल्टेज को कम ही कर सकता हूँ, और मेरी स्पीड क्या रहेगी, कम रहेगी, बिलो बेस स्पीड हम कंट्रोल कर सकते हैं, ओके। तो अब इससे करते कैसे हैं इसको, है ना, और इसकी करने से दिक्कत क्या आ रही है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, बाय वेरिंग दी सप्लाई वोल्टेज द टॉर्क इज वेरिड, अभी देखा हमने, द स्पीड इज वेरिड, दिस डज नॉट ऑफर ए वाइड रेंज ऑफ स्पीड कंट्रोल। क्यों हम इसको ज्यादा नहीं कर सकते, क्यों देखते हैं अभी। क्योंकि अब मुझे बताओ, एज दी वोल्टेज डिक्रीजेज द करंट ड्रॉन इंक्रीजेज, वेरी इनएफिशिएंट मेथड। ऐसा क्यों भाई, जब आपने वोल्टेज कम किया तो करंट इंक्रीज कैसे हो गया, चलो देखते हैं। ये इक्वेशन आपने देखी होगी, सीधी सी इक्वेशन, ढंग से देखना मैं क्या समझाने जा रहा हूँ, कि ये मेथड ज्यादा वेरिएबल क्यों नहीं है और क्यों हम इसको कम यूज करते हैं। बहुत इक्वेशन कि कहां से आगे, अगर आप भूल गए हो तो देखिए, ये हमने डिराइव की थी रीजन वन और रीजन टू के अंदर, ओके। फिर मैंने आपको बताया था कि भाई मैक्सिमम टॉर्क है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कौन सी इक्वेशन की बात कर रहा हूं मैं, पहले इसकी बात करो, दिस इज द अप्रोक्सीमेट मॉडल, ठीक है, SV1 का होल स्क्वायर, दिस सी, आगे हमने इसी में डिराइव की थी टॉर्क इज इक्वल टू दिस, अगर आपको याद आ रहा है तो यहां से देख सकते हो, दिस इज द मैक्सिमम टॉर्क, जहां पे मैंने स्टेटर के टर्मिनल्स को नेगलेक्ट कर दिया था, तो 1/2 ω की इनटू V1 का स्क्वायर अपॉन X2 डैश, यही तो है ना, X2 डैश की जगह आप R2 डैश बाय S भी लिख सकते हो। तो ये तो मैक्सिमम टॉर्क थी, है ना, नॉर्मल टॉर्क, अगर अप्रोक्सीमेशन अगर यहाँ पे करें हम, नॉर्मल टॉर्क जो हमने निकाली थी इक्वेशन, सी दिस, एक यहाँ कर सकते हैं इसको, ये क्या थी अपनी सिंगल फेज थी, थ्री फेज के लिए आप क्या कर दोगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, वही किया मैंने यहाँ पे, ओके। और इसी कंडीशन में जो हमारा करंट फ्लो करेगा वो कैसा होगा, करंट करंट ये रहा, या फिर इसमें ये रहा, सॉरी, नॉर्मल ऑपरेटिंग जोन की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि अभी इसको तो भूल जाइए, तो हाई स्पीड का इसको हम ब्रेकिंग के लिए काम में आते हैं, हमारी रनिंग कंडीशन की बात कर रहे हैं तो हम ये लेंगे, तो I2 डैश वॉज V1 अपॉन R2 डैश बाय S, तो ये इक्वेशन वहां से आई, ठीक है। अब ढंग से देखना, मैं क्या कर रहा हूँ, वोल्टेज को कम कर रहा हूँ, वोल्टेज को कम कर रहा हूँ, और ये क्या है, मेरी लोड टॉर्क है, दिस इज माई लोड टॉर्क, ओके। लोड टॉर्क का मतलब आपके पंखे के अंदर
तीन ब्लेड्स लगी हुई है, तीन ब्लेड्स लगी हुई है। तो मुझे बताओ आपको स्पीड कम कर रहे हो या ज्यादा कर रहे हो, लोड हटा क्या? नहीं हटा, तो लोड तो मेरा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, लोड विल बी माय कांस्टेंट। एफ ओमेगा एस भी क्या है मेरी, सिंक्रोनस स्पीड जो कि कांस्टेंट है, रोटर रेजिस्टेंस भी क्या है मेरा, कांस्टेंट है। तो ये लोड मेरा चेंज नहीं हो रहा क्योंकि सेम लोड को मैं कम ज्यादा कर रहा हूं। तो देखो मैंने क्या किया, वोल्टेज को 1/√2 times कम किया। ढंग से सुनना क्या कह रहा हूं, मैंने वोल्टेज मेरी वी थी उसको 1/√2 time से मैंने कम किया। तो 1/√2 time से कम किया तो ये ओवरऑल कितना कम हुआ, हाफ। बट ये कांस्टेंट है तो स्लिप कितनी इंक्रीज हो जाएगी कांस्टेंट बनाने के लिए, ट्वाइस, ट्वाइस, ट्वाइस इंक्रीज, डबल हो जाएगी स्लिप कह सकता हूं मैं। चलो यानी मेरी जब मैंने वोल्टेज को सेम लोड को प्रोवाइड करने के लिए, कांस्टेंट लोड के लिए अगर मैंने वोल्टेज को डिप किया क्योंकि मुझे स्पीड कम करनी थी, तो 1/√2 times मैंने कम किया बट स्लिप क्या हो गई, डबल। तो अब करंट को देखो क्या हो रहा है, वोल्टेज कितना कम किया, यहाँ पे भी इक्वेशन दिख रही है, वोल्टेज को किया 1/√2 times कम बट स्लिप क्या हो गई, डबल। तो √2 ये 2, तो √2 times ऑफ V1। यानी करंट जब मैंने वोल्टेज को कम किया कांस्टेंट लोड को, सेम लोड को सप्लाई करने के लिए, मेरा करंट क्या हो गया, √2 times बढ़ गया है ना, 1.411 times, ठीक है, 1.5 गुना हो गया करंट। तो जैसे ही मैंने वोल्टेज को कम किया मेरा करंट बढ़ गया, करंट बढ़ गया तो मेरे लॉसेस बढ़ जाएंगे। तो दिस इज एन इनएफिशियंट मेथड। तो ये यहाँ पे मैंने टर्म लिखा है, एज द वोल्टेज डिक्रीजेस द करंट ड्रॉन इंक्रीजेस, कैसे हुआ ये मैंने एक्सप्लेन किया है यहाँ पे, ओके। और ये जो कंट्रोल मेथड है ये कौन सा है मेरा, स्लिप कंट्रोल मेथड है। कैसे, क्योंकि स्लिप चेंज हो रही है, देखो अपने आप जैसे मैंने वोल्टेज को डिप किया स्लिप चेंज हो रही है, तो ये स्लिप कंट्रोल मेथड है, ठीक है। ऑब्वियसली द वोल्टेज शुड ओनली ओनली बी रिड्यूस बिलो द रेटेड वैल्यू, बिलो रेटेड वैल्यू हम रिड्यूस कर सकते हैं, और फिर बाकी मैंने यहाँ पे इसको एडजस्ट किया है सीधे। अब आप कई बार देखते हो कि यार प्रैक्टिकल मशीन में कि यार मैंने वोल्टेज तो डिप कर दिया, कम कर दिया, और मशीन गर्म होने लग गई, तो आपके दिमाग में आता है कि यार मैंने तो वोल्टेज कम किया है, दिया इनपुट ही कम दे रहा हूँ, लेकिन मशीन गर्म कैसे हो रही है, वो क्यों गर्म हो रही है पता चला आप, दिस रीजन की वजह से, क्योंकि करंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, क्योंकि मेरा लोड तो मेरा क्या है, फिक्स है, ओके, रेटेड करंट से ज्यादा हो जाएगा। रेटेड करंट से ज्यादा हो जाएगा, तो वो क्या होगी, ओवर हीटिंग हो जाएगी, इसलिए हो जाता है। सो दिस मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर स्पीड कंट्रोल, वेरी है ना, इट हैज लिमिटेड, प्रैक्टिकल में हम नहीं करते इसको, पॉसिबल नहीं हुआ इसमें। नहीं पॉसिबल तो है लेकिन हमारा देखो ना नुकसान हो रहा है, मशीन गर्म हो रही है, क्या पता खराब हो जाए, वाइंडिंग खराब हो जाए, ठीक है। तो इसका, और ये यूज में करते हैं जहां पे, यूज में करते हैं जहां पे मेरा जो मशीन का इंपिडेंस है वो ज्यादा हो। अगर मशीन का इंपेडेंस ज्यादा होगा तो मेरा करंट भी क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन इतना नहीं बढ़ेगा, ओके। सो इट हैज अ लिमिटेड यूज फॉर मोटर्स ड्राइविंग फैन टाइप लोड्स। फैन में क्या होता है, वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, तो वहां पे हम यूज कर सकते हैं कि इसको चेंज करके। तो इट हैज लिमिटेड यूज फॉर मोटर्स ड्राइविंग फैन टाइप लोड्स हुज टॉर्क रिक्वायरमेंट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ स्पीड, जहां पे टॉर्क है एन स्क्वायर। अगर ये रिलेशनशिप आता है जो कि फैन में होता है, घर के पंखे के अंदर, ये आप एक सब्जेक्ट पढ़ोगे ईडीटीसी, इलेक्ट्रिक ड्राइव एंड है ना ट्रैक्शन कंट्रोल, उसके अंदर आप डिराइव करोगे फैन की इक्वेशन क्या होती है पूरा, ठीक है। तो वहां से हमने देखा कि टॉर्क जो रिक्वायरमेंट है वो स्पीड के स्क्वायर में होता है फैन टाइप लोड के लिए। तो ऐसे टाइप लोड्स के लिए हम ये यूज कर सकते हैं, ठीक है, बट लिमिटेड यूज है। सो इट इज कॉमनली यूज मेथड फॉर सीलिंग फैंस ड्राइव बाय सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, वो भी थ्री फेज में नहीं, सिंगल फेज में, विच हैव लार्ज स्टैंड स्टिल इंपेडेंस लिमिटिंग द करंट बाय द स्टेटर। समझ में आया ना, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इट हैज लार्ज स्टैंड स्टिल इंपेडेंस, ओके। तो अब देखो ये हमने टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था, अगर याद होगा तो, देखो सीधे टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें अगर आपको याद होगा तो स्पीड इस तरफ बढ़ रही है और इस तरफ स्लिप बढ़ रही है, ये हमने देखा था। तो अब इसमें देखो यहां पे मेरा लोड टॉर्क दिख रहा है आपको, ये है लोड टॉर्क, दिस इज माय लोड टॉर्क, ये मेरा लोड टॉर्क तो फिक्स है। तो मैंने जब मेरी स्टार्टिंग में रेटेड वोल्टेज सपोज मेरी V1 थी, तो V1 पे ये स्पीड घूम रही है, इसकी मैक्सिमम स्पीड क्या थी, N1। तो अब मुझे इसको N1 की स्पीड से कम करना है, पंखे की स्पीड थोड़ी कम करनी है, तो मैंने वोल्टेज को क्या कर दिया, और कम कर दिया। तो वोल्टेज को जैसे कम किया वो यहां पे आ गई, सी दिस ग्राफ ऑफ
टू, तो अब जो स्पीड पे रोटेट कर रही है वो कौन सी कर रही है, एन टू, सेम लोड पे यहाँ पे। सिमिलरली और कम करनी है स्पीड तो मैंने वी थ्री वोल्टेज कर दी, कहाँ पे रन कर रही है, एन थ्री पे। तो देखो ये रिलेशनशिप है, वी वन ग्रेटर देन वी टू ग्रेटर देन वी थ्री, मतलब एन वन ग्रेटर देन एन टू ग्रेटर देन एन थ्री, यानी वी थ्री सबसे कम है तो स्पीड ऑफ रोटर भी मेरी क्या हो, सबसे कम होगी सेम लोड टॉर्क के लिए, है ना। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दिस, ऑप्शंस में आ सकते हैं, ऑब्जेक्ट कॉम्पिटिशन एग्जाम की बात कर रहा हूँ। ओके अरे यहाँ पे वोल्टेज और जो करंट है वो दोनों अलग अलग प्रोपोर्शन से चेंज हो रहा है ना, तो हाँ, अलग अलग प्रोपोर्शन से चेंज हो रहे हैं सब क्योंकि, हाँ पावर भी अलग अलग होगा, मतलब कौन सा, हर पावर अलग अलग होगा। सबका पावर अलग अलग होगा। देखो दिख रहा है ना अच्छा आपको, इस कंट्रोल के अंदर जो मैक्सिमम टॉर्क है वो भी चेंज हो रही है ना, देखो है ना, यस मैक्सिमम सर, टॉर्क भी चेंज हो रही है मैक्सिमम स्लिप पे भी। ओके तो ये हमारा कौन सा था, स्टेटर, सॉरी सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल, जो सप्लाई वोल्ट आ रही है उसको कंट्रोल करने का स्टेटर साइड का, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ सीलिंग फेल ड्राइव्स के लिए यूज में आता है, और क्यों हम दूसरे में यूज नहीं कर सकते कि करंट बहुत ज्यादा होता है और रेटिंग हो जाती है, ठीक है। सेकेंड मेथड है स्टेटर साइड में, स्टेटर का रेजिस्टेंस का, ये हम देख चुके हैं कहाँ पे, स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर के अंदर, थ्री फेज इंडक्शन मोटर के अंदर। तो ये सेम वही है मेथड है, क्योंकि इसके अंदर भी हम क्या कर रहे हैं, वोल्टेज को कम कर रहे हैं, बट ये और इनफिशियंट है क्योंकि यहाँ पे हम रेजिस्टेंस ऐड कर रहे हैं। रेजिस्टेंस ऐड करोगे तो फिर आई स्क्वायर आर लॉसेस भी होंगे, तो ये ज्यादा बेनिफिट, और क्योंकि रनिंग कंडीशन के अंदर आप रनिंग, एक तो क्या है परमानेंट आपने रेजिस्टेंस ऐड कर दिया, क्योंकि रनिंग कंडीशन में परमानेंट रेजिस्टेंस ऐड करके रखना पड़ता है। और स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में मुझे जो वोल्टेज कम चाहिए होती है तो कुछ देर के लिए चाहिए, सपोज 2 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, तब वो हम लॉसेस बियर कर सकते हैं कुछ सेकंड के लिए, ठीक है। बट स्पीड कंट्रोल तो मुझे रनिंग कंडीशन में चाहिए, तो रनिंग कंडीशन में आपके रेजिस्टेंस परमानेंटली कनेक्टेड हो जाते हैं, है ना, तो वो जो लॉसेस होंगे वो भी ज्यादा होंगे। दिस स्टेटर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड इज बेनिफिशियल एट स्टार्टिंग ओनली, है ना, क्योंकि रनिंग कंडीशन के अंदर ज्यादा लॉसेस दे रहा है। ओके नाउ, तो इसका डायग्राम अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपको सेम डायग्राम बनाना है, कौन सा, ये वाला स्टार्टिंग वाला, इसलिए इसका डायग्राम मैं यहाँ पे शो नहीं कर रहा, ठीक है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी तक आपने देखा इन दोनों मेथड के अंदर, हम स्पीड कंट्रोल, बेस स्पीड समझ में आ गया ना, कोई भी बिलो बेस स्पीड कर पा रहे थे या अबव बेस स्पीड करवा रहे थे, या दोनों कर सकते थे इन दोनों मेथड के अंदर। बिलो बेस स्पीड मतलब इसकी बिलो मैक्सिमम बेस, स्पीड, बिलो बेस स्पीड है ना, हम ये कर नहीं सकते। फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड के पास फायदा है, हम बिलो बेस स्पीड भी कंट्रोल कर सकते हैं और अबव बेस स्पीड भी कर सकते हैं। कैसे, दो मेथड्स हैं फ्रीक्वेंसी कंट्रोल के। इस फ्रीक्वेंसी कंट्रोल को हम ये ट्रिपल वीएफ कंट्रोल भी कहते हैं, वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड। ओके, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल को हम ट्रिपल वीएफ कंट्रोल मेथड भी कह सकते हैं। आपके आरटीयू में बहुत पूछा जाता है, एक्सप्लेन द ट्रिपल वीएफ कंट्रोल मेथड, बिलो बेस स्पीड एंड अबव बेस स्पीड। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं दोनों की, मैं एक बार इक्वेशन समझा देता हूँ, फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर हम क्या चेंज कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी भी और वोल्टेज भी। तो पहला, स्पीड कंट्रोल बिलो बेस स्पीड, यानी मुझे कम करनी है स्पीड, ये इस मेथड को हम कहते हैं वी बाई एफ मेथड भी कहते हैं, वी बाई एफ। इसमें क्या करते हैं, वी बाई एफ को हम कांस्टेंट करते हैं, वी बाई एफ इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्यों, देखो ये इक्वेशन पढ़ी आपने, 4.44 यस FIN, ठीक है। अब मुझे बताओ 4.44 फिक्स है, एन क्या है, मेरा नंबर ऑफ टर्न्स सर, जो एक बार मशीन बन गई वो भी मेरा फिक्स हो गया, तो फ्लक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, फ्लक्स को ई बाई ये लिख सकता हूँ। तो 4.44 फिक्स, एन फिक्स, तो फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू ई, किसके प्रोपोर्शनल है, वोल्टेज के, सप्लाई वोल्टेज के, और एफ ये रहा, तो फ्लक्स जो है वो क्या है, वी बाई एफ। अब मुझे बताओ आप फ्लक्स को क्या चाहते हो, कोई मशीन में लॉसेस ना हो तो फ्लक्स क्या होनी चाहिए मेरी, कॉन्स्टेंट या वेरिएबल, बार बार चेंज थोड़ी करनी चाहिए, लेवल है ना। तो जो आपने ट्रांसफॉर्मर में पढ़ा होता कि ट्रांसफॉर्मर इज ए कॉन्स्टेंट फ्लक्स डिवाइस, अगर फ्लक्स ही मेरी वेरिएबल होगी तो बार बार स्पीड कम ज्यादा होती रहेगी, तो हम क्या है, मैक्सिमम जो चाहते हैं वो फ्लक्स कॉन्स्टेंट होनी चाहिए, तो वी बाई एफ। तो मुझे बताओ अगर मैंने वोल्टेज को चेंज किया, ढंग से सुनना, अगर मैंने वोल्टेज को चेंज किया, वोल्टेज को बढ़ाया, तो मेरे को फ्रीक्वेंसी को भी क्या करना पड़ेगा,
उसी प्रपोर्शन में बढ़ाना पड़ेगा तभी फ्लक्स कॉन्स्टेंट होगी। और अगर वोल्टेज को कम किया तो फ्रीक्वेंसी को क्या मुझे करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो अब मुझे बताइए आप वोल्टेज को बढ़ा सकते हो क्या? नो सर, मैं नहीं बढ़ा सकते। तो मैं वोल्टेज को मुझे क्या करना पड़ेगा, कम ही करना पड़ेगा। अगर वोल्टेज को कम करना पड़ेगा तो फ्रीक्वेंसी को भी क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी को कम किया, वोल्टेज को कम किया, फ्लक्स मेरा कॉन्स्टेंट हुआ, तो मेरे को जो स्पीड कंट्रोल हुई वो कौन सी हुई, बिलो बेस स्पीड। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है फ्रीक्वेंसी इज लेस देन एफ बेस, 50 हर्ट्ज से कम। ओके, तो इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, वोल्टेज को भी कम करते हैं, फ्रीक्वेंसी को भी कम करते हैं, क्योंकि हमें क्या रखना है, फ्लक्स को कांस्टेंट रखना है, कांस्टेंट कंट्रोल, वी बाय एफ मेथड को कहते हैं। ठीक है, दूसरा मेथड स्पीड कंट्रोल अबव बेस स्पीड। अब इस बेस स्पीड के अंदर अबव बेस स्पीड करना है तो मुझे वोल्टेज को तो मैं चेंज कर ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि मुझे बढ़ाना पड़ेगा, तो बढ़ा तो सकता ही नहीं। तो अब मैं क्या करूंगा, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊंगा, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊंगा और वोल्टेज को क्या रखूंगा, कॉन्स्टेंट। बट यहाँ पे एक केस हो गया, ये बहुत रेयरली यूज होता है, क्योंकि मुझे बताओ आपको हमेशा 99% जो स्पीड कंट्रोल चाहिए वो चाहिए हमें बिलो बेस स्पीड, क्योंकि आप जानते हो कि मेरा लोड इतना है, इससे मैक्सिमम इतना ही मैं मूव कराऊंगा इससे। तो उसी उसी रेटिंग का मशीन खरीदोगे आप, जो है ना, ऐसे कम थोड़ी लोगे भाई। तो आपको मुझे पता है एक पर्टिकुलर लोड में 1000 RPM चाहिए, तो उसका मैक्सिमम 1000 RPM ही चाहिए, तो मैं 1000 RPM रेटिंग की मशीन लाऊंगा, तो मुझे कम करना है। तो दिस टाइप ये बहुत कम यूज में आता है। ठीक है, फिर भी अगर आपको कहे पूछे कि अबाउ बेस स्पीड मुझे करना है तो कैसे करोगे, तो ऐसे करोगे, हम देखेंगे इसको। ठीक है, इन दोनों मेथड को हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम सेकेंड मेथड में अबाउ बेस स्पीड के लिए वोल्टेज को तो कॉन्स्टेंट रखेंगे बट फ्रिक्वेंसी को बढ़ाएंगे आप, तो उससे कैसे चेंज होगा वो देख। ओके, दिस टू टाइप्स ऑफ कंट्रोल। अब उससे पहले इनको एक्सप्लेन करने के लिए पहले मेरे को आपको इक्वेशन, कुछ इक्वेशन लिखनी है जो आप पहले पढ़ चुके हो, मैं डिराइव कर चुका हूँ सारी इक्वेशन। तो देखो कौन कौन सी है, दिस इक्वेशन टी मैक्सिमम कहां से आया, टी मैक्सिमम ये रहा, टी मैक्सिमम 1/2 ओमेगा से v1 का स्क्वायर अपॉन x2। देखो ये, ठीक है, ये भी देख चुके हैं, ये भी देख चुके हो, एस टी मैक्स इज इक्वल टू r2' / x2', दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम स्टार्टिंग, है ना, है ना, ये मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन है कि कौन सी स्लिप पे मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस होगा, वो ये r2' / x2'। ठीक है, ये भी देख चुके हो, ns - nr = ns। दस ये है पावर फैक्टर एंगल φ2 tan इनवर्स s x2' / r2'। ओके, tan φ ये रिएक्टिव डिवाइडेड बाय एक्टिव, ओके, रिएक्टेंस डिवाइडेड बाय दिस। तो ये चारों के चारों अब देख चुके हैं, ये किसके लिए है, ट्रू फॉर नॉर्मल मोड ऑफ ऑपरेशन, जब मेरी ऑपरेशन, जब मेरी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बेस फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, ये बी इक्वेशन, ये नंबर ए इक्वेशन है, बी इक्वेशन देखो, बी इक्वेशन नॉर्मल टॉर्क है 1/ωsm = v1² दिस ये भी देख चुके हैं, i2', तो ये सारी की सारी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर ए और बी ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। बस ये यहाँ पे एक इस साथ यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये सारी की सारी इक्वेशन हमारे इस कंट्रोल वी फ्रीक्वेंसी कंट्रोल में काम आएंगी। ओके, नाउ सबसे दो दो ऑपरेटिंग रीजन है मेरे, अगर मैं वैसे तो कहूँ तो चार ऑपरेटिंग रीजन है मेरे टॉर्क स्लिप के अंदर, कौन कौन से अगर मैं आपको बताऊं तो देख चुके हैं, पहला तो कौन सा, ये वाला, ये मेरा ऑपरेटिंग, जहां पे ऑपरेटिंग, अब मुझे बताओ इस ऑपरेटिंग रीजन के अंदर जो हमने डेवलप किया था टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल होती है, स्लिप के, जैसे जैसे स्लिप बढ़ेगी वैसे जैसे मेरा टॉर्क बढ़ेगा। दूसरा जो ऑपरेटिंग रीजन है वो कौन सा है, अनस्टेबल रीजन या नॉन ऑपरेटिंग रीजन, वहां पे टॉर्क कैसे बढ़ती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस होती है, इसको हम यूज नहीं करते। तीसरा जो रीजन है वो कौन सा है, प्लगिंग रीजन और ब्रेकिंग रीजन, और चौथा रीजन कौन सा है, जनरेटिंग रीजन, ये चार रीजन है। ठीक है, तो हम जो यहाँ पे बात कर रहे हैं वो बेसिकली बात करेंगे ऑपरेटिंग रीजन की। ओके, सी दिस, तो सबसे पहले नॉर्मल ऑपरेटिंग, ये मैंने यहाँ पे वापस बताया यहाँ पे, ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम टॉर्क एट दिस स्लिप। ओके, और आप जानते हो कि इस डायरेक्शन में अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मेरी स्पीड बढ़ रही है, और अगर इसी डायरेक्शन में जाओगे तो स्लिप कम हो रही है, ये हम देख चुके हैं।
ये स्टार्टिंग जोन है, ये ब्रेकिंग जोन है, और ये मेरा नॉर्मल ऑपरेटिंग जोन है। ओके चलो, तो फ्रॉम इक्वेशन नॉर्मल ऑपरेटिंग जोन के लिए स्लिप की वैल्यू क्या होती है, कम या ज्यादा बताओ? नॉर्मल ऑपरेटिंग जोन के अंदर स्लिप की वैल्यू विल बी लो और हाई? लो, लो होती है। वेरी गुड, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो अब इक्वेशन नंबर बी से देखिए आप, इक्वेशन बी मेरी कौन सी, ये है, लो है, इसका मतलब आर टू डैश बाय एस बहुत ज्यादा होगी, यानी आर टू डैश बाई इज वेरी मच ग्रेटर देन एक्स टू डैश, तो ये हट जाएगा इसके कंपैरिजन में, तो आर टू डैश बाई एस का होल स्क्वायर अपॉन आर टू डैश बाई एस, तो इसमें से एक आर टू डैश बाई हट जाएगा, तो मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये सब डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो टॉर्क इक्वेशन बन जाएगी वन अपॉन ओमेगा एस एम एस वी वन का स्क्वायर अपॉन आर टू डैश, सिमिलरली आई टू डैश आ जाएगा यहाँ से, ये हट जाएगा एक्स टू डैश, आई टू डैश विल बी वी वन अपॉन अंडर रूट ऑफ आर आर टू डैश बाई एस का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा, है ना, ये सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। तो ये कौन सा जोन के लिए मैंने इक्वेशन डेवलप कर दी, ऑपरेटिंग जोन, ये वाले ऑपरेटिंग जोन जहां पे टॉर्क स्लिप के प्रोपोर्शनल है। दूसरा स्टार्टिंग, ये वाला स्टार्टिंग या ब्रेकिंग जोन के लिए, तो यहां पे स्लिप की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है, सी एस इज ग्रेटर देन मैक्सिमम स्लिप, तो इसके अंदर हम किसको नेग्लेक्ट कर देंगे, या इक्वेशन में आर टू डैश बाय इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, तो टॉर्क क्या हो जाएगी, वन अपॉन ओमेगा एस एम वी वन का स्क्वायर अपॉन एक्स टू डैश का होल स्क्वायर इन टू आर टू डैश बाय एस, ये लिखा है मैंने यहाँ पे, सी दिस, ऐसे आई टू डैश भी लिखा है, ये कहाँ से आई, हम सब डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो चलो यहाँ तक अपनी मेरी इक्वेशन डेवलप हो चुकी है। ओके, सो दिस इक्वेशन इज फॉर ऑपरेटिंग जोन, जहाँ पे हमको मोटर को रन करना है परमानेंट, और ये मेरी जब मोटर स्टार्ट होगी या ब्रेकिंग जोन। ओके, और ये इक्वेशन नंबर जो ए है, ये मेरी कौन कौन सी है, लिमिट है, मैक्सिमम टॉर्क कितनी होगी, मैक्सिमम स्लिप कितनी हो सकती है इस टॉर्क पे, ठीक है। देखो कई लोग क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, ये मेरी मैक्सिमम स्लिप नहीं है, मैक्सिमम स्लिप तो मेरी कितनी हो सकती है, वन टू, दिस इज द स्लिप वैल्यू एट विच मैक्सिमम टॉर्क इज डेवलप्ड, ठीक है, ये दिमाग में बिठाना। चलो अब हम करते हैं हमारा मेथड कौन कौन सा, पहला कॉन्स्टेंट वी बाई एफ कंट्रोल। अब मुझे बताओ वी बाई एफ कॉन्स्टेंट है, के कांस्टेंट है, तो मैं इस इक्वेशन से, सिंपल मैथमेटिक्स का समझ है कि इससे मैं ये कह सकता हूं क्या आपको कि v इज प्रोपोर्शनल टू f, कह सकता हूं, यस, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो वोल्टेज बढ़ेगी, अगर फ्रीक्वेंसी को कम करोगे तो वोल्टेज कम होगी, तो मैं कह सकता हूं वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, गुड, यस, ओके। चलो अब इक्वेशन नंबर ए से आओ, यहां पे इक्वेशन नंबर ए, मैं जो मेथड समझाने वाला हूं ढंग से समझना, चलो ओके, मुझे बताओ ओमेगा एस एम, ओमेगा एस एम को हम क्या लिख सकते हैं, टू पाई एफ लिखते हैं कि नहीं लिखते, है ना, टू पाई एन, तो ये कह सकता हूँ कि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, यस सर, तो मैं ओमेगा को ओमेगा की जगह क्या लिख रहा हूँ, मेरा टू कांस्टेंट है तो भूल जाओ, फ्रीक्वेंसी लिख रहा हूँ इन टू, और वोल्टेज किसके प्रोपोर्शनल है, अभी देखा हमने फ्रीक्वेंसी के, तो एफ स्क्वायर आ गया, फ्रीक्वेंसी, ये क्या है, रिएक्टेंस, तो रिएक्टेंस खुद क्या होता है, टू पाई एफ एल, ठीक है, तो ये भी कह सकता हूँ कि किसके प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी के, फ्रीक्वेंसी, तो मुझे बताओ एफ का स्क्वायर कैंसल आउट, मैक्सिमम टॉर्क क्या आएगी, कांस्टेंट, तो पहले वाले मेथड में किसके अंदर बात कर रहा हूं मैं, स्पीड कंट्रोल बिलो बेस स्पीड वी आई बाई एफ में मैक्सिमम टॉर्क चेंज होगी क्या, नहीं होगी, ओके, तो करंट, अब स्लिप को देख लेते हैं कि कौन सी स्लिप पे मैक्सिमम टॉर्क आएगी, आर टू डैश तो क्या है मेरा कांस्टेंट, और एक्स टू क्या है फ्रीक्वेंसी, तो मैं कह सकता हूँ है ना फ्रीक्वेंसी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मुझे बताओ अगर फ्रीक्वेंसी आप यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं या ज्यादा कर रहे हैं, पहले वाले मेथड में कम कर रहे हैं, तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी को कम करूंगा तो मेरी मैक्सिमम टॉर्क कहाँ पे मिलेगी, ज्यादा इसकी वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, बस ये चीज ध्यान रखना है, तो मैंने इन चीजों को यहाँ पे लिखा है, देखो सी दिस, फर्स्ट टी मैक्स कॉन्स्टेंट, एस टी मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ, एन एस माइनस एन आर इज प्रोपोर्शनल टू एस एफ, एंड फाइव टू इज फंक्शन ऑफ टेन इनवर्स एस एफ, ओके। नाउ केस वन और केस टू, केस वन और केस टू कौन सा नॉर्मल, ये तो मेरी मैक्सिमम पैरामीटर्स आ गए, केस वन और केस टू कौन सा, मैंने जो यहाँ पे डिस्कस किए थे,
ठीक है, केस वन अब इसी में देख लो, टॉर्क वी वन किसके प्रोपोर्शनल है, एफ स्क्वायर, एफ स्क्वायर और ओमेगा एस एम एफ के, एफ तो एफ से एफ कैंसिल आउट हो गया, तो मैं लिख सकता हूँ टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू एस एफ। एफ यस तो देखो ये रहा, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू एस एफ, ऐसे ही आई टू जो करंट होगा प्रोपोर्शनल टू एस एफ आएगा, कौन से रीजन के अंदर, नॉर्मल ऑपरेटिंग जोन के अंदर। ओके, केस टू ब्रेकिंग जोन के अंदर, देखो आप ब्रेकिंग जोन के अंदर जो टॉर्क होती है वो, ये रही ब्रेकिंग जोन के अंदर जो हमने इक्वेशन डेवलप की थी, कहाँ गई, ये रही सीरीज, ये किसके प्रोपोर्शनल है, एफ, वन अपॉन एफ हो गया, यस वी किसके प्रोपोर्शनल है, एफ, तो एफ एफ स्क्वायर 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 आ गया, और एक्स किसके प्रोपोर्शनल है, एफ एफ स्क्वायर आ गया, यस तो और इनटू आर टू डैश तो कांस्टेंट है और वन अपॉन एस हो गई, तो इसको एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कैंसिल आउट किया, वन वन अपॉन अपॉन एफ आ एफएस गया। और मुझे बताओ स्टार्टिंग के अंदर, स्टार्टिंग की बात करें, स्टार्टिंग में स्लिप की वैल्यू कितनी होती है, मैक्सिमम वन है ना, स्टार्टिंग में स्लिप की वैल्यू क्या होती है, वन, तो इसको तो वन कर दो, तो जो मेरी स्टार्टिंग टॉर्क है वो किसके प्रोपोर्शनल हो गई, वन अपॉन वन एफ अपॉन एफ के, तो लिख सकता हूं मैं यहां से वन अपॉन एफ के। ओके, एस की जगह वन पुट कर दो यहाँ पे, तो टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन एफ, और आई टू डैश क्या हो गया मेरा, कॉन्स्टेंट इसके अंदर। चलो अब ये सारी कंडीशन को हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, क्योंकि ग्राफिकल क्वेश्चन आएगा। सी दिस, सबसे पहली बात, मैं कौन सा ग्राफ बना रहा हूँ, ब्लैक वाला ग्राफ बना रहा हूँ, ढंग से सुनना, कौन सा ग्राफ बना रहा हूँ, ब्लैक वाला। सिंपल, ये टॉर्क स्लिप का कैरेक्टरिस्टिक से एक बार ये बना दो, ये किस पे बनाया है, 50 हर्ट्ज पे। अब मुझे क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को कम करना है, तो कम करना है तो कैसे बनेगा, देखो आप, चलो मैं यहां बना रहा हूं पहले एक ब्लैंक पेज पे, इसमें आपको समझ में आएगा। ओके, सबसे पहले मुझे बताओ ये स्टार्टिंग में यहां पे स्लिप की वैल्यू कितनी होगी, वन वन, और यहां पे मेरा ऑपरेटिंग कंडीशन है मैक्सिमम, स्लिप की वैल्यू क्या होगी, जीरो। ठीक है, तो लेट मी ड्रॉ दी टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस, ये बनाया मैंने, ये इंक्रीज किया, ये किया, ये किया, और ये चल के यहां पे आ गया, और ये मेरी क्या है, मैक्सिमम टॉर्क। ओके, और ये मेरी स्लिप क्या हुई, मैक्सिमम, इस स्लिप पे ये मैक्सिमम टॉर्क मिल रहा है, ये किस पे बनाया मैंने, 50 हर्ट्ज पे। चलो अब मैं बनाता हूं लेस देन फ्रीक्वेंसी पे, तो मुझे बताओ यहां से तो चालू होगा, अब ये बताइए मुझे कि अगर मैंने फ्रीक्वेंसी कम कर दी, मैक्सिमम टॉर्क कम हुई क्या मेरी, मैक्सिमम टॉर्क नहीं हुई, वो तो कांस्टेंट है, अभी हमने डिराइव किया है जस्ट, देखो सी दिस इज कांस्टेंट, तो मैक्सिमम टॉर्क तो उतनी रहेगी, स्लिप क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इन्वर्सली है, मतलब मैंने मैं फ्रीक्वेंसी कम किया है, तो ये जो इंक्रीज होगा, मैक्सिमम, तो ये मैक्सिमम टॉर्क मुझे ज्यादा स्लिप पे मिलेगी, तो स्लिप की, स्लिप यहाँ पे कम है, ज्यादा स्लिप शिफ्ट किस हो तरफ है, जाएगा कहाँ पे, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट, लेफ्ट, वेरी गुड, यहाँ पे सपोज मैंने मान लिया कि यहाँ पे मिला है, तो मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, ये कुछ ऐसा आएगा, और ये यहाँ पे मिल गया, सी मैक्सिमम टॉर्क तो हो गई। ठीक है, अब स्टार्टिंग टॉर्क की बात करते हैं, स्टार्टिंग टॉर्क कहाँ आती है, इस वाले में, तो स्टार्टिंग टॉर्क में स्लिप तो वन हो जाती है, तो मुझे बताओ स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ गई या घट गई, बताइए, घट गए फ्रीक्वेंसी कम की है मैंने, तो स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगी, बढ़ेगी, बढ़ेगी, बढ़ेगी। तो मुझे कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, सी दिस ग्राफ। तो अब देखो इस ग्राफ पे स्टार्टिंग टॉर्क, क्योंकि जस्ट अगर आप देखोगे तो फ्रीक्वेंसी मैंने हाफ की है, तो मुझे स्टार्टिंग टॉर्क क्या मिलेगी, जस्ट डबल, और ये 0.2 पर यूनिट पे मुझे स्लिप मिल रही थी, ये 0.4 पर यूनिट पे मुझे मिल रहा है। तो अब ये ग्राफ समझ में आया कैसे बना, यस सर ओके, तो इस डायरेक्शन में राइट टू लेफ्ट हम फ्रीक्वेंसी अगर कम करेंगे तो मेरे को मैक्सिमम टॉर्क तो उतनी रहेगी, बट वो कौन सी स्लिप पे मिलेगी वो चेंज हो जाएगी। ओके, तो ये बात हो, आपकी नेक्स्ट क्लास कितने बजे है वैसे, नाइन, मेरे को ये टॉपिक खत्म करना था, आपकी है 9:40 पे ना, हाँ चलो अभी 5 मिनट है अपने पास, चलो ठीक है, तो ये समझ में आ गया। ओके, अब कांस्टेंट वोल्टेज कंट्रोल मेथड करते हैं, तो ये अभी देखो मैंने जो स्पीड कंट्रोल की है वो क्या है, बिलो बेस स्पीड की है, देखो इस डायरेक्शन के अंदर,
यहाँ पे स्पीड मेरी मैक्सिमम थी तो इस तरफ मैं खिसकाते गया तो मेरी स्पीड कम हो गई। देखेंगे अभी कॉन्स्टेंट वोल्टेज कंट्रोल में हमें अबव बेस स्पीड करनी है, तो वोल्टेज तो क्या हो गई मेरी कॉन्स्टेंट, और फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहा हूँ मैं बढ़ा रहा हूँ। तो देखो सारी इक्वेशन यहाँ पे देखते हैं, मैं एक आपको डिराइव करके दिखा देता हूँ, बाकी आप अपने आप कर लोगे। देखो सी पहले जो इक्वेशन मैंने डिराइव की थी, यहाँ पे मेरी मैक्सिमम टॉर्क बिलो बेस स्पीड में वी बाई एफ कंट्रोल में कांस्टेंट आ रही थी, अब यहाँ पे कांस्टेंट आ रही है कि नहीं आ रही देखो। अब मुझे बताओ वी तो मेरा कांस्टेंट है, तो ये तो मेरा क्या हो गया कांस्टेंट, ये भी मेरा कांस्टेंट, ये क्या ओमेगा किसके प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, ये भी किसके प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, तो मैक्सिमम टॉर्क क्या हो गई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वायर कह सकता हूं, ठीक है। तो ऐसे सारी इक्वेशन आप बना लेना, ओके, ये भी नॉर्मल ऑपरेटिंग की, ये भी, तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूं यहाँ पे, है ना, सी दिस कांस्टेंट वोल्टेज, देखो ये रहा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वायर, एसटीमैक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ, एनएस माइनस आर इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसएफ, टेन इनवर्स एसएफ, क्योंकि यहां पे वोल्टेज नहीं रहा, वोल्टेज की जगह हम एफ लिखते थे वो हट गया। सिमिलरली केस वन में देखिए आप, केस वन के अंदर टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू एस बाई एफ, ओके, आई टू डैश इज प्रोपोर्शनल टू एस, केस टू में टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन एफ क्यूब एस, आई टू डैश इज प्रोपोर्शनल टू वन बाई एफ। ये सारी कहां से आई, सारी इस इक्वेशन से आ रही, केस वन और केस टू, ठीक है, मैंने बता दिया आपको कैसे आई है, ओके। सो अब इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं, तो अब मुझे बताइए फ्रीक्वेंसी क्या कर रहे हो आप, ज्यादा कर रहे हो फ्रीक्वेंसी, बढ़ा रहे हो, तो मैक्सिमम टॉर्क क्या होगी बताइए, डाउन होगा, घटेगा, डाउन होगा, यानी मेरी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, अब मेरी मैक्सिमम टॉर्क कांस्टेंट नहीं रहेगी, ओके। तो चलो दूसरा टॉर्क जो ऑपरेटिंग जोन के अंदर बात कर रहे हैं, ठीक है, या फिर मैं स्टार्टिंग टॉर्क की बात करता हूँ, स्टार्टिंग टॉर्क में एफ क्यूब हो गई, स्टार्टिंग टॉर्क में एस इजिकल टू तो वन हो गया, स्टार्टिंग टॉर्क में फ्रीक्वेंसी हम बहुत बढ़ा रहे हैं, तो जो मेरी स्टार्टिंग टॉर्क क्या हो गई और कम जाएगी, और कम हो गई। तो अब ग्राफ देख लेते हैं एक बार, अब समझ में आ गया, ये जो ये पहला वाला ग्राफ किसका था, ये दोनों कांस्टेंट वी बाय एफ कंट्रोल मेथड कह सकता हूँ मैक्सिमम टॉर्क, ये जो मेथड आया वो कौन सा है, कांस्टेंट वोल्टेज कंट्रोल मेथड अबव बेस स्पीड। तो देखो मैक्सिमम टॉर्क दिख रहा है आपको कितनी कम हो गई, सी दिस, है ना, ओके, और जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो भी क्या हो गई, कम हो गई, 1/8 ऑफ स्टार्टिंग टॉर्क। तो ये मेथड में हमें स्पीड तो ज्यादा मिल गई, बट मेरी मैक्सिमम टॉर्क चेंज हो गई, स्टार्टिंग टॉर्क बहुत कम हो गई। तो अब इसको मैं कंक्लूड कर रहा हूं, सी दिस ग्राफ, इस ग्राफ से आपको समझ में आ जाएगा, दोनों मेथड अबव बेस स्पीड में, देखो सबसे पहले बिलो बेस स्पीड देखिए, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज थी, ओके, ये वाला ग्राफ देखिए दोनों, इसके अंदर आप क्या करते थे, स्पीड कम करते थे, देखो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज थी, कितनी फ्रीक्वेंसी, कितनी स्पीड आ रही है, सपोज यहां से 1300 आरपीएम, मैंने फ्रीक्वेंसी कम की, मैक्सिमम टॉर्क तो उतनी आई, मेरी स्पीड कितनी हो गई बताइए, 750 आरपीएम, कम हो रही है कि नहीं हो रही है, ये कौन सा मेथड है, बिलो बेस स्पीड, बट यहाँ पे टॉर्क क्या है मेरी, मैक्सिमम टॉर्क क्या है, कांस्टेंट, ये ध्यान रखना, ओके, और स्टार्टिंग टॉर्क भी मेरी बढ़ जाती है, तो देखो स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ गई। अब बात करते हैं अबव बेस स्पीड, स्पीड तो मेरी 3000 आरपीएम हो गई कि नहीं हो गई, बढ़ गई, बट मेरी जो मैक्सिमम टॉर्क है वो क्या होगा, कम हो गया, और स्टार्टिंग टॉर्क भी क्या हो गई, कम हो गई, 1/8 हो गई, और कम गई। तो इससे आप बता सकते हो बिलो, अब बिलो बेस स्पीड दिस फ्रीक्वेंसी आप कम कर रहे हो, अबव बेस स्पीड फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो, बट यहाँ पे वोल्टेज कांस्टेंट रख दो, ओके। तो इसको मैं और कंक्लूड कर रहा हूँ, सी दिस, एक ग्राफ के अंदर ये मैंने लिमिट बना दी, ये मेरी एफ बेस है ना, एफ बेस या स्पीड बेस है, अगर इस फ्रीक्वेंसी से मैं कम करता हूं तो मेरी स्पीड कम हो रही है, सीधे स्पीड कम हो रही है, बट मेरी टॉर्क क्या है, मैक्सिमम टॉर्क कांस्टेंट है, तो इस ड्राइव को हम कहते हैं कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव, वी बाई एफ कांस्टेंट है मेरा, तो जहां पे मुझे कांस्टेंट टॉर्क चाहिए, है ना, जिस ड्राइव पे, ये ईडीटीसी में पढ़ोगे आप डिटेल में, जिस लोड के अंदर मुझे मैक्सिमम टॉर्क मेरी चेंज नहीं होनी चाहिए, ऐसी एप्लीकेशन के लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, एफ लेस देन बेस। अब अबव बेस, जैसे अबव बेस स्पीड करते हैं, स्पीड कंट्रोल में हम फ्रीक्वेंसी भी बेस करते हैं, तो मेरी टॉर्क देख रहे हो आप, मैक्सिमम टॉर्क जितनी जितनी फ्रीक्वेंसी कराओगे उतनी मेरी क्या होगी, कम होती जाएगी, स्पीड तो बढ़ रही है बट मेरी मैक्सिमम टॉर्क कम हो रही है, यहाँ पे वोल्टेज कांस्टेंट है और पावर क्या रहेगा, करंट भी मेरा कांस्टेंट रहेगा,
करंट भी मेरा कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप उसी प्रोपोर्शनल में, उसी प्रोपोर्शनल के अंदर आपके स्लिप, क्योंकि करंट जो है आपका फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यहाँ पे स्लिप पे डिपेंड कर रहा है। ओके, तो वोल्टेज और करंट का जो मल्टीप्लीकेशन है पावर, वो मेरा कॉन्स्टेंट रहेगा। सो दिस टाइप ऑफ कंट्रोल, और मैं कह सकता हूँ उसको कहते हैं हम कॉन्स्टेंट पावर ड्राइव। कौन सा कहते हैं हम? कॉन्स्टेंट पावर ड्राइव। ओके, तो ये मेरा कंक्लूजन है। बिलो बेस स्पीड वी बाय कंट्रोल मेथड, अबाउ बेस स्पीड वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मेथड, जहां पे हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं। तो ये अबाउ बेस स्पीड सिर्फ और सिर्फ किससे मिल सकता है मुझे? फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड से। स्टार्टिंग के जो मेथड पढ़े थे हमने, कौन कौन से? स्टेटर रेजिस्टेंस और स्टेटर वोल्टेज वाला, उससे हम अचीव नहीं कर सकते, उससे हम तो सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी वाला कर सकते हैं। और ये एफिशिएंट मेथड है ना, यहाँ पे इतना करंट ज्यादा इंक्रीज नहीं होता। ओके, सो दिस फॉर हैवी मशीन, हाई रेटेड मशीन, इंडक्शन मशीन, थ्री फेज इंडक्शन इंडस्ट्री में हम ये वी बाय एफ कंट्रोल मेथड यूज करते हैं, मोस्ट प्रोबली ये वाला। बिलो बेस स्पीड ही चाहिए हमें, ओके, क्योंकि अबाउ बेस स्पीड हम यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लेक्चर एंड करते हैं। नेक्स्ट मेथड है जो एक बचा है पोल चेंजिंग का, फिर रोटर रेजिस्टेंस का, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। ओके, सो लेट मी टेक योर अटेंडेंस, आपकी क्लास भी है, आपकी रिकॉर्डिंग।